नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पथरी एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर किसी भी व्यक्ति को हो जाए तो वो अगर सही समय पर इलाज ना करवाए तो धीरे धीरे वो आगे चलकर बहुत ही भयानक बीमारी हो जाती है। ऐसे में जो पथरी के मरीज हैं उन्हें बहुत ही तेज साइड में पेट के दर्द होता होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे अपने पथरी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक ऐसे नुस्खा लेकर आया हूँ, एक ऐसे असरदार तरीका लेकर आया हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पुराने से पुराने और भयंकर से भयंकर पथरी को बिल्कुल आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों जो लोग पथरी के मरीज हैं उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, लेकिन दोस्तों अगर जो भी लोग पथरी की समस्या से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, इलाज करवा करवा के थक चुके हैं, अपना पैसा और समय दोनों खराब कर चुके हैं, तो वो लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर ध्यान से देखिएगा और मेरे बताए अनुसार इसका इस्तेमाल एक बार ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नुस्खे को यहाँ पर तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा दही। जी हाँ, दही में कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो यहाँ पर आप गाय या भैंस किसी का भी दही ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे, वो है दोस्तों ये छोटे छोटे दाने। आप ये जो छोटे छोटे दाने देख रहे हैं ये है बबूल के गोंद का। ये आपको पंसारी की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों बाज़ार में गोंद दो प्रकार के आते हैं, एक तो ये गोंद कतीरा और दूसरा ये बबूल का गोंद। दोस्तों दोनों में बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है। जो बबूल का गोंद होता है वो देखने में इतना छोटा छोटा सा टुकड़ा होता है और जो नॉर्मल गोंद कतीरा होता है उसका साइज इतना बड़ा बड़ा सा होता है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे ये बबूल वाले गोंद का। दोस्तों इस गोंद में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि पथरी जैसी समस्या को बिल्कुल ही आसानी से तोड़ने का काम करता है। अगर आपके पित्त की थैली में पथरी है तो आप इसका इस्तेमाल अगर करते हैं तो आप अपनी पथरी की समस्या से बिल्कुल आसानी से छुटकारा जरूर पा सकेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम इस्तेमाल कर लेते हैं इस बबूल के गोंद का। चलिए जानते हैं कि हमें इस नुस्खे को किस प्रकार से तैयार करना है। दोस्तों इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा एक खाली कटोरी। यहाँ पर मैंने पहले से ही एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ताकि ये किस प्रकार से इस्तेमाल होगा और अगर ये हम इसे डालेंगे तो ये किस प्रकार से नज़र आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने एक खाली कटोरी लिया और उसमें 2 चम्मच की मात्रा में दही लेकर और इसमें 8 से 10 दाने इस बबूल के गोंद को मैंने डाल दिया, तो ये धीरे धीरे फूलने लगा है। ये नुस्खा तैयार हो गया है मात्र एक बार इस्तेमाल करने के लिए। तो आप इस नुस्खे को कुछ इस प्रकार से ही तैयार कर ले। दोस्तों मैं आपको फिर से बनाकर दिखा देता हूँ। इसके लिए क्या करना है कि आपको लेना है मात्र 2 चम्मच की मात्रा में दही का, तो आप ले ले 2 चम्मच की मात्रा में दही। उसके बाद से आप इस बबूल के 7 से 8 गोंद को ऐसे ही लेकर और इसमें डालकर और इसे मिला दें। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद से आप क्या करें कि आप इसे मिक्स कर दें। दोस्तों इतना काम आपको रात्रि में ही सोने के पहले कर लेना है। आप इस 2 चम्मच की मात्रा दही में 7 से 8 इस बबूल के गोंद को मिलाकर और किसी बर्तन से या कपड़े से ढककर आप वैसे ही रख दें। जब आप सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी ये बबूल के गोंद है वो बिल्कुल इस दही में घुल मिल चुका है, यानी कि ये पूरे रात भर में ये फूल जाएगा और फूलने के बाद से इस दही में ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा नुस्खा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि एक और विधि है जो कि आप इस नुस्खे को तैयार कर सकते हैं। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आप दही को तैयार रखें और उसके बाद से आप 1/2 चम्मच की मात्रा में घी ले लें और घी लेने के बाद से 7 से 8 इस बबूल के गोंद को आप घी में डालकर भून लें। दोस्तों जब आप भून लेंगे उसके बाद से गोल्डन ब्राउन होगा और गोल्डन ब्राउन होने के बाद से आप इसे क्या करें कि आप उस भुने हुए बबूल के गोंद को इस दही में मिलाकर और उसके बाद से आपको सेवन कर लेना है। अब जानेंगे कि सेवन करने का टाइम क्या होगा।
आपको इसे सेवन करना है बिल्कुल सुबह में, यानी कि कुछ भी खाने पीने से पहले इसे तैयार करके रखें और बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर लें, यानी कि आपको खा जाना है। अगर आप मेरे बताए अनुसार दोनों में से किसी भी प्रकार से नुस्खे को तैयार करके अगर आप रोज़ाना सेवन करते हैं तो आप अपने पथरी की समस्या से बिल्कुल आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। दोस्तों, चाहे पथरी पित्त की थैली की हो या पथरी किडनी यानी कि गुर्दे की हो, ये 10 से 15 mm तक की पथरी को बिल्कुल आसानी से तोड़ सकता है। तो ये रही कुछ आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो को अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदार में सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।